सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र पर आयोजित महिला आरक्षी प्रशिक्षुओं के 49वें बैच के पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया तथा प्रशिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक अमित कुमार अग्रवाल, महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल अतुल कुमार श्रीवास्तव सहित प्रधान विभाग अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की सदस्याएं, वरिष्ठ रेल अधिकारी, वायु सेना, थल सेना, SSB, स्थानीय पुलिस के साथ ही रेलवे सुरक्षा बल एवं रेलवे सुरक्षा विशेष बल के अधिकारी एवं जवान उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने आरक्षी प्रशिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत परेड एवं मार्च पास्ट की सराहना करते हुए कहा कि 8 माह के कठिन प्रशिक्षण के दौरान 350 महिला आरक्षी प्रशिक्षुओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महिला आरक्षी प्रशिक्षु भारत के सबसे बड़े संगठन में अपनी सेवाएं देते हुए राष्ट्र की सेवा में अपना उल्लेखनीय योगदान देंगी तथा भारतीय रेल के प्रति आम जनता का विश्वास और बढ़ेगा। उत्कृष्ट आयोजन से प्रसन्न होकर महाप्रबंधक श्री त्रिपाठी की ओर से ₹51,000 मात्र की सामूहिक पुरस्कार की घोषणा की गई। महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी द्वारा प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला प्रशिक्षु आरक्षियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। सर्वोत्तम प्रशिक्षु का पुरस्कार दक्षिण पूर्वोत्तर रेलवे की प्रेरणा कुमारी को आउटडोर एवं इनडोर विषयों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के लिए प्रदान किया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे की अदिति को अंतरंग विषय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। उत्तर रेलवे की प्रियंका को आउटडोर विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु पुरस्कार प्राप्त हुआ। पूर्वोत्तर रेलवे की सेकंड परेड कमांडर भूमिका चौधरी एवं दीक्षांत परेड की कमांडर दक्षिण पूर्व रेलवे की कोमल कुमारी को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने स्वागत संबोधन में महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि वर्ष 2018 में प्रारंभ हुई इस भर्ती में कुल 17 लाख अभ्यर्थियों में से 4500 महिला आरक्षियों का चयन हुआ। उन्होंने कहा, भारतीय रेलवे पर रेलवे सुरक्षा बल के 74,000 बल सदस्य कार्यरत हैं। रेलवे सुरक्षा बल एक मल्टी स्किल्ड एवं प्रभावी बल है तथा आज के दीक्षांत समारोह के उपरांत यह महिला आरक्षी प्रशिक्षु भी इस महत्वपूर्ण बल की सदस्य के रूप में राष्ट्र एवं रेल की सेवा करेंगी। रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य नरेंद्र मोहन वशिष्ठ ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र की गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल अतुल कुमार श्रीवास्तव और पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा की जा रही कार्रवाई से रेलवे की शिखर जलाली पर अंकुश लगाया जा सका है। प्रोफेसर को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल को वर्ष 2006 में हमारे पूर्व महामहिम नई नई मुस्कान भरो पुतो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। और ये रंग बिरंगे गुब्बारे
उस बात का सुनिए। निरीक्षण के लिए आमंत्रण देने चाहते माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड निरीक्षण के लिए निरीक्षण वाहन की ओर अग्रसर उत्तर मध्य रेलवे एवं पश्चिम रेलवे की विभिन्न महत्वपूर्ण Thank you.
श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, और निष्ठा रखूंगी, और मैं अपने, और मैं अपने पद के कर्तव्यों को, पद के कर्तव्यों को राजभक्ति, राजभक्ति, ईमानदारी, ईमानदारी और निष्पक्षता से, और निष्पक्षता से पूरा करूंगी, पूरा करूंगी। अगर कॉलम बता चाल से मन से गुजरेगा, नंबर एक प्लाटून आ गए, सब एक प्लाटून है दाहिना से, ब्रेक, तेन और तेन में दाहिना चलेगा, दाहिना बच्चों के लिए कदम शेरनी का दोस्त एक वर्ष को देख कर रखा प्रतीक होता है, मानव जो जीवन है रंगभूमि में अपने बच्चों के सदस्य होकर उनका भाषण प्राप्त करने को व्यापक वरिष्ठ कमांडर सुमल कुमारी मेरा सभी अतिथिजनों से अनुरोध है कि कृपया इन आरक्षित उपकरणों की समीक्षा करने में आगे बढ़ते हुए ऑफिसर्स, पुलिस, न्यायिक, जीआरपी, एसएसबी, एयरफोर्स एवं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से आए सभी सम्मान्य गण एवं अधिकारी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि, रेलवे सुरक्षा बल, विशेष बल के अधिकारी एवं बल सदस्य, और आज हमारी पास आउट होने वाली सम्मानित महिला रिक्रूट्स, मैं दीक्षांत परेड के अवसर पर पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिंसिपल ने कई डिटेल्स आपको बताए हैं, कुछ चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। जब ये भर्ती शुरू हुई थी तो 2018 में शुरू हुई, 18 के एंड में या बिगनिंग में 19 के, और 70 लाख एप्लीकेंट्स थे कांस्टेबल्स की पोस्ट के लिए। इन 70 लाख एप्लीकेंट्स में से 9,500 ऑल ओवर इंडिया लोग भर्ती हुए, जिसमें 4,500 लेडी कांस्टेबल्स की भर्ती हुई। और जो हमारा ध्येय था कि हमारी फोर्स का 10% लेडी कांस्टेबल हो, वो अब 9% तक पहुंच गया है। इसमें इस मंच से मैं अपने महानिदेशक महोदय का, श्री अरुण कुमार जी का, मैं खास मेंशन करना चाहूँगा कि उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में ना केवल एक पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट भर्ती कराई, बहुत फास्ट कराई, उसको सेंट्रल लेवल पे, रेलवे बोर्ड लेवल पे, पूरे इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर्स को मॉनिटर किया। यहाँ पे जितने इंस्ट्रक्टर्स आए उनकी उन्होंने ऑल इंडिया स्क्रीनिंग करवाई, ऑल इंडिया, और ये इंश्योर किया कि ये जो ट्रेनीज ऑल इंडिया में आए हैं उनका स्तर
उनका स्तर ऐसा होना चाहिए कि जब वो हमारी फोर्स को ज्वाइन करें तो वाकई कंट्रीब्यूट करें, और जो हमारे स्टाफ जो वर्किंग स्टाफ हैं उनके सामने में भी उदाहरण के रूप में पेश हो। मैं इस मंच से और अपने फोर्स के सदस्यों से उनका खास आभारी हूँ। आरक्षी प्रशिक्षु अदिति शुक्ल साउथ ईस्टर्न रेलवे, आपने अंतरण विषयों में सर्वाधिक जी। चलो बाबू कहाँ चले यार, इधर सर तीन नंबर में सवाल सही है। पीछे वालों को भी ले लीजिए, वो हाँ जी स्ट्रीमिंग कर रहे हैं वो लोग। सभी विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस एवं राजकीय रेल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यगण, महिला समिति की सदस्यागण, प्रधानाचार्य रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर एवं उपस्थित देवियों सज्जनों व आरक्षी प्रशिक्षुगण, मुझे इस बात का हर्ष है कि आज रेलवे सुरक्षा बल की 350 महिला कांस्टेबल रिक्रूट इस प्रशिक्षण केंद्र से पास आउट हो रहे हैं। प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा ज्ञात हुआ है कि इन प्रशिक्षुओं को 8 महीने के कठिन प्रशिक्षण के दौरान कानून, रेलवे सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, मनोविज्ञान, आपदा प्रबंधन, कंप्यूटर एवं साइबर विषयों के साथ साथ शारीरिक दक्षता, विभिन्न हथियारों की सिखलाई, अनआर्म्ड कॉम्बैट, क्राउड कंट्रोल एवं बम डिस्पोजल जैसे विषयों का प्रशिक्षण कुशल निदेशकों द्वारा प्रदान किया गया है। इसके साथ इन्हें कार्य क्षेत्र में निपुण बनाने के उद्देश्य से यात्री सहायता, कस्टमर केयर एवं तनाव प्रबंधन के क्षेत्र में भी प्रशिक्षण दिया गया है, जो आने वाले समय में रेलवे की सुरक्षा एवं क्षमता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। प्रधानाचार्य प्रशिक्षण केंद्र की रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ है कि इन रिक्रूट्स में काफ़ी संख्या में उच्च शिक्षा जैसे पोस्ट ग्रेजुएट, PGDCA एवं MTech डिग्रीधारी भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स, स्काउट व NCC आदि में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अपना योगदान दे चुके हैं। इसके साथ मुझे यह भी बताया गया है
कि रेलवे सुरक्षा के दौरान किसी विपरीत परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए इनको एक माह का कमांडो प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। मैं इस प्रशिक्षण के लिए आपके परिजनों, रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों एवं प्रशिक्षकों, जिन्होंने आपको एक बल सदस्य के रूप में रेलवे तथा राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार किया है, को बधाई देता हूं तथा यह गौरव का विषय है। यह आपके कठिन परिश्रम एवं समर्पण तथा आपके प्रशिक्षकों के योगदान का संयोग है कि आप भारत के सबसे बड़े संगठन में अपनी सेवाएं देते हुए राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपके कार्यों से महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं बच्चों के साथ साथ आम जनता में भारतीय रेल के प्रति और अधिक विश्वास को सशक्त करेगा। मैं पुनः आप सभी को एवं आपके परिजनों को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद। इंडिया के सभी मेरे मित्रगण, आमंत्रित अतिथिगण, रेलवे सुरक्षा बल के माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परेड में यूट्यूब पंप पर कदम रखते हुए रेलवे सुरक्षा
से ही एक बड़ी धारा छोटी छोटी धारा को करने के लिए आगे आगे मजबूत करने से अति को कैसे ठीक है साहब। ये 350 प्रशिक्षु आए थे महिला कांस्टेबल, उनका पासिंग आउट परेड था। उन लोगों ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, अब वो वापस जा करके एक्चुअल वर्क करने के लिए डिफरेंट रेलवे में रिपोर्ट करेंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सर कितने दिन का ये प्रशिक्षण होता है, किस तरीके से ट्रेन किया जाता है, क्या क्या इसमें सिखाया जाता है इनको? करीब 8 महीने का प्रशिक्षण, 8.5 महीने का, 8.5 महीने का प्रशिक्षण है और इन्हें हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। अनाज कॉम्बैट कराते हैं, आम चलाने के लिए भी बताया जाता है, जो रेलवे में डे टू डे ज़रूरतें पड़ती हैं महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से किस तरह से व्यवहार करना है, कैसे करना है, ये पूरे बिल्कुल फुल्ली ट्रेंड है इनको। अभी बाद में ये भी बताया गया कि 1 महीने की इनको कमांडो ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो सबको रेलवेज अलॉटेड होती है, जिस जिस रेलवे में जैसी वैकेंसी होती है उसके हिसाब से होती है, तो वो सब ऑलरेडी इन लोगों को अलॉटेड है जहाँ जहाँ। एक्चुअली ये जो ट्रेनीज हैं इनके बेसिक पार्ट्स होते हैं आउटडोर और इनडोर। तो आउटडोर में जैसा सर ने बताया, जिम सर ने भी, इनको हम लोग पीटी परेड, फिर आर्म्स को डील करना, मॉडर्न वेपनरी, इन सब में अनाम कॉम्बैट, इस सब में करते हैं, योग भी कराते हैं। और इनके जो उत्कृष्ट लोग हैं हमारे यहाँ, इसमें स्पोर्ट्स के भी बहुत लोग हैं, तो इनको स्पोर्ट्स भी खिलाया जाता है, इनको इनकरेज किया जाता है। और इंडोर में फिर वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, लॉ है, CRPC है, IPC है, एंड जो रेलवे वर्किंग है, रेलवे ऑर्गेनाइजेशन है, रेलवे वर्किंग के बारे में बताया जाता है। देन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत इनपुट्स दिए जाते हैं, हमारे यहाँ रेलवे सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ई सुविधा है, तो उन सब में भी इनको हम लोगों ने ट्रेन किया है। और ये जो हमारे क्लासरूम्स हैं उसमें हमने स्मार्ट बोर्ड्स लगाए हैं, जिससे कि इनको क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग भी इम्प्रूव करें। इसमें आपकी बलवा ड्रिल भी होती है, लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ जो आते हैं, एमरजेंसीज़ को कैसे डील करना है, उनकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। और ये भी स्पेशल इन लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है कि एडवर्स सर्कमस्टांसिस में अपना बैलेंस मेंटेन करके इनको जो सिचुएशंस को डील करना है उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। साइबर में हमारे यहाँ जो सिस्टम है, हम लोग CCTNS से कनेक्टेड हैं और हमारा साइबर का एक छोटा सा यूनिट है हेडक्वार्टर में, उसके थ्रू हमारे जो वहाँ के जो पोस्टेड स्टाफ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो लोग आके यहाँ के इनको एक्सपोजर देते हैं कि आपको अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसको कंप्यूटर से, जो उसके रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, उनको स्टडी करके, उसका पैटर्न स्टडी करके कैसे उन केसेस को डिटेक्ट करना है। और आपने देखा होगा टाउटिंग में तो हम लोगों ने बहुत केसेस पकड़े जा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में पकड़े जा रहे हैं, तो उसमें इन लोग का एक, इन लोग को इंटरफेस दिया गया है, अभी स्टार्टिंग है। जब ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाएंगे, पोस्ट पर जाएंगे, तो इनको और दक्ष किया जाए। ये 8.5 महीने का प्रशिक्षण था, महिला कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग थी, 350 महिलाओं की। ये ऑल ओवर इंडिया इनका सिलेक्शन हुआ, सारी रेलवे से आए हुए थे ये लोग और एनी रेलवे को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, एनी रेलवे ने इनको ट्रेन किया है कि ये आगे अपना अब एक्चुअल जॉब शुरू कर सके। ये सर किस तरह का प्रशिक्षण इनको दिया जाता है? इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, हर तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, आर्म्स का प्रशिक्षण दिया जाता है, अनआर्म्ड कॉम्बैट का प्रशिक्षण दिया जाता है, फिजिकल एक्सरसाइज करा के फिजिकली स्ट्रांग बनाया जाता है, योग भी कराते हैं, PT भी कराते हैं, हर तरह से इनको कैसे लोगों से डील करना है, महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से, दिव्यांगों से कैसे डील करना है, क्योंकि इनका इंटरेक्शन पैसेंजर के साथ भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। अब इन लोग की ट्रेनिंग पूरी कहाँ कहाँ पे, ये लोग अब इन लोगों की पोस्टिंग अलग अलग रेलवेज में है, इनको रेलवेज अलग अलग अलॉटेड हैं, तो उन रेलवेज में जाएंगी, पूरे इंडियन रेलवेज में जो 16 रेलवे हैं उन सब में जाएंगी।